अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है एंगल बाय मिरर एंड नंबर ऑफ इमेजेस। माई सेल्फ खदीजा अकदस, माई सेल्फ बरीरा अहमद, माई सेल्फ अरीबा नसरीन, माई सेल्फ आयशा सैयद, माई सेल्फ अशना माइन, एंड वी आर फ्रॉम क्लास 9th ए बाबा साहेब धाबेकर विद्यालय एंड गाइडेड फ्रॉम सैयद नाशिद अली सर, एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म मिरर एंगल एक्सपेरिमेंट। एज वी नो नंबर ऑफ इमेजेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एंगल बिटवीन द मिरर। लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। इन केस फर्स्ट, अगर हम 90 के एंगल पे दो मिरर रखते हैं और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की तीन इमेजेस दिखाई देंगी। अगर हम 120 के एंगल पे दो मिरर रखते हैं और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस नज़र आएंगी। अगर हम 60 के एंगल पर दो मिरर रखें और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखें तो हमें ऑब्जेक्ट की पाँच इमेजेस दिखाई देंगी। अगर हम 45 के कोई एंगल पे दो मिरर रखते हैं और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की 7 इमेजेस दिखाई देंगी। इस प्रैक्टिकल से हमें ये पता चलता है कि जितना एंगल हम कम करेंगे उतनी इमेजेस ज़्यादा बनेंगी और जितना एंगल हम बढ़ाएंगे उतनी इमेजेस कम बनेंगी। थैंक्स।